और खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस लाइन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरएसपी पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कुल 1425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। वहीं नेता गरिमा मेहरा दसोली ने कहा है कि यह सिर्फ एक तमाशा है, क्योंकि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा देश भर में किया था। हमारे 12 लाख से अधिक युवा पंजीकृत बेरोजगार हैं, बल्कि प्रदेश में अभी लाखों युवा बेरोजगार हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये सिर्फ एक तमाशा है, क्योंकि वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियां सालाना देश भर में देने का, और यहाँ उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। हमारा जो बेरोजगार, जो हमारा सेवा योजन कार्यालय है, वही 12 लाख के करीब बेरोजगार पंजीकृत हैं। सड़कों पर हमारा बेरोजगार राखी खा रहा है। 150 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आप अपने को श्रेय दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। ये सारे युवा अपनी काबिलियत से निकल रहे हैं, अपनी मेहनत से निकल रहे हैं, अपने जुझारूपन से निकल रहे हैं। इसमें आपको श्रेय देने वाली क्या बात है? ये ऊंट के मुंह में जीरा है जो नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में लाखों लाख युवा बेरोजगार है और कमर उनकी महंगाई होती है। ऐसे में बहुत ही असंवेदनशील ये सरकार हो गई है कि 150 नौकरियों के नियुक्ति पत्र